दोस्तों जागनाथ मंदिर जाने के लिए आपको यहाँ से एक चांद पोल से यहाँ से रास्ता लेना पड़ेगा और ये घाटी छड़के होते हुए आपको आगे जागनाथ मंदिर जाना पड़ेगा। दिखा दूँ आपको, और ये रास्ता जाता है सीधा आगे किले रोड पे। होते हुए हम यहाँ से रस्ते से होते हुए जागनाथ मंदिर के द्वार तक पहुँच चुके हैं। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे मतलब 150-200 कुछ सीढ़ियाँ हैं, वो आपको चढ़नी पड़ेगी। और इस मंदिर का नाम जागनाथ मंदिर इसलिए है क्योंकि हमेशा जागृत रहने वाला ये मंदिर है, मतलब जी का जो लिंग है हमेशा जागृत रहता है, इसलिए इसका नाम जागनाथ मंदिर है। एक तो जगन्नाथपुरी मंदिर है जो कि उड़ीसा में है, और एक ये मंदिर है जो जागनाथ मंदिर है, और ये जोधपुर का 300-400 वर्ष पुराना मंदिर है। और क्या हिस्ट्री क्या नहीं इसकी मैं ऊपर जाके आपसे सभी के साथ शेयर करता हूँ, और चलते हैं मंदिर के ऊपर। माइंड खोलना, दो खोल तो। आए मंदिर के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे आप जूते खोल सकते हैं अपने। तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के इंट्रो में बताया कि यह मंदिर 300 वर्ष पुराना है, तथा जागनाथ मंदिर का जैसा नाम है ठीक वैसा ही उनका स्वरूप भी है। भक्तों की मनोइच्छा पूरी करने के लिए 24 घंटे जागृत अवस्था में विराजमान रहते हैं, एवं ये जिस पहाड़ियों पर बना है उसे भूतेश्वर वनखंड की पहाड़ियाँ कहते हैं। श्रावण मास में नियमित रूप से दूध, इत्र, सुखम एवं विजय फलों आदि से इनका अभिषेक और श्रृंगार किया जाता है। फिलहाल इस प्राचीन मंदिर का कोई ट्रस्ट नहीं है। Thank you.